जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च करें और फिर सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दें तो महामना इंस्टीट्यूट के आप पार्ट बन जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकें और अच्छी तरह से आप समझ सकें, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू साइन इनवर्स 56/65। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि या तो सबको साइन में कन्वर्ट कर लें या सबको कास में कन्वर्ट कर लें। लेकिन हम लोग एक काम करेंगे कि अब देखिए, दो साइन में है और एक कास में है, तो इस कास वाले को ही हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और देखें, क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कन्वर्ट करके सबको साइन के फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये है कास इनवर्स 12/13। अगर इसको हम थीटा सपोज कर लें तो फिर देखें कास थीटा इजकल टू हो जाएगा 12/13। और अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट 1 - cos² θ होता है, तो 1 - 12/13 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। फिर सॉल्व करेंगे 169 - 144, 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 169। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/13, यानी साइन थीटा इजकल टू हो गया 5/13। तो अगर थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं तो साइन अपोजिट साइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो अब देखिए, ये कास इनवर्स 12/13 को जब हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट किए तो ये हो गया साइन इनवर्स 5/13। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, चलिए अब ये है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस हो गया ये आपका साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू हो गया ये साइन इनवर्स 56/65। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो चलिए हम LHS सॉल्व करते हैं और फार्मूला अप्लाई होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो चलिए, ये x है ये y है, मैं सॉल्व करता हूँ और LHS हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो LHS सॉल्व करेंगे तो देखें, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x यानी 5/13 अंडर रूट 1 - y² यानी 3/5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। अब प्लस y हो गया 3/5 और अंडर रूट 1 - x² यानी 5/13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25/13 का स्क्वायर करेंगे 169। फिर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 5/13। और ये देखिए, ये 25 - 9 = 16 हो जाएगा और 16/25, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और फिर ये हो जाएगा आपका 3/5। और ये देखिए ना, ये 169 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 169 - 25 हो जाएगा तो ये 144 हो जाएगा और 144 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये देखिए 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा और ये हो गया 65 और ये हो जाएगा
36 अपॉन ये भी हो जाएगा 65। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जब 20 और 36 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। यही आपको सॉल्व करना था। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, हम लिख देंगे लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS, दैट प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखिए इसको सॉल्व करने का यही मेथड है कि या तो सबको साइन के रूप में करें, या सबको कॉस के रूप में करें, या सबको टेन के रूप में करें। तो ऐसा किया जाए कि हम लोग साइन और कॉस को ही टेन के रूप में कन्वर्ट कर लें। ज़रा देखिए, ये पहले वाले को हम ये रफ वर्क कर रहे हैं, साइन इनवर्स 5/13 को अगर हम थीटा मान लें तो साइन इनवर्स अपोजिट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। और अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए फिर क्या निकलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 - sin²θ। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। अब देखिए 169 - 25 ये हो जाएगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। तो ये साइन इनवर्स साइन की वैल्यू 5/13 और कॉस की वैल्यू जो है 12/13 है। अगर हम यहाँ से टेन की वैल्यू निकालें, देखिए टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन अपान कास हो जाएगा, तो साइन अपान कास यानी 5/13 और सॉल्व करेंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12 हो गया, या थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो टेन इनवर्स 5/12 हो जाएगा। तो चलिए अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स को हमने टेन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये हो गया आपका टेन इनवर्स 5/12। अब हम जो है ये कॉस इनवर्स 3/5 को भी ये हम लोग रफ वर्क किए हैं, अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये है आपका कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो 3/5 हो जाएगा, और अगर साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 - cos²θ। तो चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ जगह नहीं है, और फिर ये यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे √1 - cos²θ, यानी 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 25। देखिए सॉल्व करते हैं, 25 - 9 ये हो जाएगा आपका 16, और 16/25 यानी ये हो जाएगा 4/5। तो ये तो साइन थीटा है, अब अगर टेन थीटा निकालें तो साइन अपान कास कर देंगे, तो साइन है 4/5 अपान कास है 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 4/3। चलिए हम करते हैं, तो कॉस इनवर्स 3/5 को हम टेन इनवर्स के रूप में बदले तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3। अब चलिए, अब तो ये पूरा टेन इनवर्स के फॉर्म में हो गया, अब इसको सॉल्व करना इजी है। हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, और चलिए RHS टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y
ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 5/12 प्लस ये है टेन इनवर्स 4/3। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाले फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं ये मिलेगा आपको टेन इनवर्स 5/12 और प्लस हो जाएगा 4/3 अपॉन 1 - xy 5/12 और y की वैल्यू हो जाएगी 4/3। फिर देखें क्या मिलेगा, ये टेन इनवर्स हम एलसीएम ले लेंगे 12 और 3 का, तो ये हो जाएगा 36 और फिर 12 से डिवाइड कर दीजिए 3 और 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे 12 और 12 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 48 हो जाएगा। और फिर नीचे देखिए क्या मिलेगा, ये 12 × 3 36 हो जाएगा, तो 36 - 5 = 20 और ये हो जाएगा 36। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है, तो ये हो गया टेन इनवर्स, ये देखिए 48 में 15 ऐड कर देंगे 63 हो जाएगा 36 अपॉन 36 में से 20 माइनस करेंगे 16 अपॉन हो जाएगा 36। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका टेन इनवर्स 63 अपॉन 36, सॉल्व करेंगे 36 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका टेन इनवर्स 63 अपॉन 16, तो ये LHS आ गया। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लास्ट में लिख दिया जाएगा कि RHS इक्वल टू LHS दैट प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू 5/4। तो एक काम करते हैं, हम LHS सॉल्व करते हैं और दो दो को एक साथ ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड को एक साथ और फिर थर्ड फोर्थ को एक साथ और फिर जब दो मिलेंगे तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो जो वैल्यू है वो आ जाएगी। चलिए हम LHS सॉल्व कर रहे हैं और LHS सॉल्व करने में इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं और इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं और फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो चलिए देखिए टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 1/5 × 1/7, तो ये पहले दोनों का हुआ और इसके बाद दूसरे वाले को हम अप्लाई करते हैं तो ये देखिए फिर क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 - 1/3 × 1/8। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका टेन इनवर्स, ये देखिए एलसीएम लीजिए 5 और 7 का, तो ये हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35, 7 का 1 में मल्टीप्लाई 7 होगा, फिर 7 से डिवाइड करें तो 5 होगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 हो जाएगा, नीचे आइए ये देखिए 5 × 7 = 35, 35 - 1/35 प्लस ये हो गया आपका टेन इनवर्स। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24 और फिर देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिए 24 - 1/24 हो जाएगा और फिर देखिए क्या मिलेगा, ये आपको टेन इनवर्स ये हो जाएगा 12 / 35 और ये देखिए 34 / 35 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और करते हैं, ये 34 / 35 और प्लस ये है आपका टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 11 / 24 और नीचे हो जाएगा 23 / 24। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 12 / 35, सॉल्व करेंगे 35 ऊपर जाएगा 34 नीचे आ जाएगा, प्लस ये हो गया आपका टेन इनवर्स
ये है 11/24 सॉल्व करिए, 24/23 हो गया, और फिर देखे क्या होगा, 35 से 35 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल होगा, और फिर ये हो गया आपका 10 inverse 12/34 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 inverse 11 हो जाएगा 23। अब इसको सॉल्व करना होगा हम लोगों को, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि फिर क्या मिलता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एक स्टेप और यहाँ नीचे करते हैं, 10 inverse x + 10 inverse y वाला फार्मूला, ये हो जाएगा 10 inverse 12/34 प्लस हो जाएगा 11/23 और ये हो जाएगा 1 minus 12/34 और इनटू हो जाएगा 11/23। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इतना जो स्टेप है, इतना स्टेप हम आपके लिए रख रहे हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे, या चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ये हो जाएगा 10 inverse और यहाँ एलसीएम आप ले लें और ले करके सॉल्व करें। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 34 और 23 का एलसीएम लिए 782 आया, और फिर इसको सॉल्व किए तो अब ये वैल्यू मिल रही है, और दोनों वैल्यू अपर पार्ट और लोअर पार्ट इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 inverse 1। तो ये हो गया 10 inverse 1, और 1 जो है 10π/4 की वैल्यू है, तो 10 inverse से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी आपका π/4। तो फिर हमने LHS सॉल्व किया और RHS आया, लिख देंगे LHS = RHS, दैट प्रूव्ड। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस हम इतना ही रहने देते हैं, और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।